भांजा मोटर्स उदयपुर से मैकेनिक संदीप साहू। तो स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में, और देखना दोस्त जो आपके सामने खड़ी हुई है हीरो एचएफ डीलक्स BS6 दोस्त। अब देखो कितनी न्यू फ्रेश गाड़ी है दोस्त, और इस पे देखना ये कितने किलोमीटर चली हुई है। आपको दिखता होगा 7726 किलोमीटर ओनली। और अब आप देखिए कि इस गाड़ी में परेशानी क्या है भैया, देखिए किक मारेंगे भैया और देखना क्या परेशानी है दोस्त। ये गाड़ी की किक दबने तैयार नहीं है, ये देखिए भैया पूरे चढ़ जाते हैं पर दबती नहीं है। जैसे तैसे भैया बहुत कोशिश करते हैं, थोड़ी सी आगे बढ़ती है। तो दोस्त वीडियो में बने रहिए और देखिए इस पे क्या मिस्टेक है, ऐसा गाड़ी क्यों कर रही। क्या इसका इंजन सीज हो गया, भैया ने ऑयल नहीं डलाया, क्या इस पे ऑटोमेटिक कोई मिस्टेक आई। तो दोस्त बने रहिए वीडियो में और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इस पे क्या समस्या है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मैंने लगभग ठीक ठाक से थोड़ा जांच की, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे इसके मैग्नेट पल्ले साइड कोई मिस्टेक हो। तो दोस्त फटाफट मैं इसका मैग्नेट पल्ला ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या यही मिस्टेक है या इंजन सीज हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्त। तो जैसा कि दोस्त देख सकते हैं आप कि मैंने इसका मैग्नेट पल्ला ओपन किया और देखना इस पर गाड़ी में क्या मिस्टेक है दोस्त। न्यू रेस गाड़ी होने के बाद देखिए आप इसकी चैन कहाँ है, देखिए आप चैन का पता ही नहीं दोस्त, ये आके यहाँ पे फंसी हुई है, देखना आपको दिखता होगा दोस्त ये फंसी हुई है देखना। इसलिए ऐसा लग रहा था कि गाड़ी का इंजन सीज हो गया, गाड़ी की किक दबना मुश्किल हो गया, भैया ने खूब किक मारने की कोशिश की और ज्यादा आके चैन फट गई। तो दोस्त अब देखिए आप ऐसे में कई बार क्या होता है कि इंजन तक खुल जाता है, इतनी न्यू गाड़ी है और ये टेंशन बना हुआ है गाड़ी में आप देख सकते। तो सबसे पहले अगर ऐसी कभी मिस्टेक आती है तो आप यहाँ पे जरूर चेक करें दोस्तों, और मैं आगे दिखाता हूँ आपको। इसका बोल रही हूँ मैं, अब दोस्त देखते हैं जांच करते हैं ऐसा क्यों हुआ। अब देखिए इतना खतरनाक कांड हो गया है, ये देखिए ये तक टूट गया पल्ले का, पल्ले की जो डिस्टेंस रहती है जिसमें प्लेट आके रखती है वो भी टूट गया, ये हाल हो गया गाड़ी के देखिए आप जरा सी गलती में। देखिए तो मैं बता दूं ये कहाँ पे रहता है, होता क्या है इस प्लेट को जो है अंदर सटे ना, ताकि यहाँ पे कंपनी एक ठीहा बना के देती है एक पीस। यहाँ दोस्त ये भी टूट के निकल गई, और गाड़ी की चैन देखिए आप, ये अभी की नई चैन है, ये आके फंस गई। और देखना दोस्त ये टूट के दो टुकड़े में बदल गई। अब सोचो आप ऐसी ऐसी मिस्टेकें आ रही हैं दोस्त। तो देखिए दोस्त हम ये ओरिजिनल न्यू चैन डालेंगे, अब ये तो किसी काम की बची नहीं क्योंकि देखना ऐसे फट के निकल गई, ये देखिए आप ये हालत हो गई। अब न्यू डालते हैं, डालने के बाद पूरी फिट करके आपको दिखाते हैं क्या गाड़ी में और कोई मिस्टेक तो नहीं आई, क्रैंक बैंड तो नहीं हुई कहीं फंसने के कारण, कई बार ये शाफ्ट भी बैंड हो जाती है दोस्त, तो हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्त अब समस्या क्या बन रही है, ये तो ठीक है चैन डाल देंगे, चैन एन सब डाल देंगे वो भी हो जाएगा, लेकिन अब आप देख सकते हैं ये अगर इसका ये वाला ठिया नहीं रहा तो देख रहे हैं आप ये यहाँ जाएगा इस पर फिर टकराएगा फिर चैन तोड़ेगा, और अब इतनी नई गाड़ी का पल्ला खोल के या तो ये ठिया बनवाना या नया पल्ला डालना कस्टमर नहीं झेल पाएगा, क्योंकि फ्रेश गाड़ी इसको खोलना भी ठीक नहीं। तो दोस्त हम इसका जुगाड़ कैसे बनाएंगे तो वीडियो में बने रहिए और देखिए। सबसे बड़ी मुसीबत इसी ठीहे की है, अगर ये नहीं रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है मेरे मैकेनिक भाइयों ये अंदर ऐसे तना है देखना आप, तो हम इसका जुगाड़ कैसे करेंगे आप देखते रहिए। दोस्तों ठिया कैसे हम रिपेयरिंग करना है देखना आप,
ये हमने इसको यहाँ लगाया, यहाँ लगाने के बाद ऐसे बर्नियर ले लेना है आपको, ठीक है, को अच्छे तरीके से बैठा लेना है पहले, जैसे मैंने बैठाला जहाँ से टूटा है वहीं, फिर ऐसे नाप कर लेना, देख सकते होंगे आप बर्नियर में कितना बता रहा है इधर इधर, ये देखिए यहाँ पे ऐसे नाप कर लेना है ना, जितने mm बताए इसके ऊपर ऐसे रख के से नाप। फिर इसके बाद आपको एक ऐसा बोल्ट ले लेना है, देखना थोड़ी सा इतना ओवर होना चाहिए कम से कम, ताकि हम इसको टाइट करें तो इतना टाइट रहे, और इतना जितने mm ठिया चाहिए उतने mm का ठिया। तो मैं फटाक से पहले इसको होल करता हूँ दोस्त, ये 4 mm की आपको ड्रिल ले लेना है, देखिए आप दोस्त यहाँ पे ऐसे होल बना के आपको थ्रेड निकाल लेनी है। थ्रेड निकालने के बाद देखिए इस पे आयरन लाइट लगा लें इसकी थ्रेड में, कि जितने में फिक्स रखना है पहली बात तो उतना ही आप होल मारे उतनी ही थ्रेड निकालें, जितना आपको चाहिए उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि टाइट भी होना चाहिए। फिर इसके बाद अपने को टाइट कर देना है ऐसे, ये खुले ना, इतना टाइट करना है, और आयरन लाइट इसलिए लगाना है कि ये खुलना नहीं चाहिए। ये देखिए दोस्त फुल टाइट। अब इसके बाद हमें जितना हमने ठिया नापा था उतना ही हमको एरिया चाहिए, तो देखना आप ये देख सकते हैं दोस्त, जितना ठिया नापा था हमने उतना ही हमें ठिया बन गया। और आप देख सकते होंगे मेरे मैकेनिक भाई, ये जो ठिया मैंने बनाया है ये सक्सेसफुल है, आप खुद ये सोच सकते हैं कि ये सक्सेस होगा या नहीं होगा, है ना। देखिए ये ठिया कंप्लीट, ठीक है, ठीक है गुरु, तो विश्वास ना कि वो खराब नहीं हो सकता। तो चलिए दोस्त हमने देखिया पूरा ठिया बना के मैग्नेट सेट कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्टेंस आ गई, ये पट्टी भी लग गई, चैन भी लगा दी। अब हम आपके सामने सेल्फ मार के दिखाएंगे कि हमारा ठिया और सारी चीजें एकदम रेडी हुई हैं कि नहीं, तो चलिए दोस्त सेल्फ मार के दिखाते हैं हम। देखिए थोड़ी बैटरी इसकी लगता है डाउन है, अब देखना दोस्त बैटरी चेंज कर दी हमने, अब देखना आप, चलो ये देख सकते हैं आप बिल्कुल अलाइनमेंट बिल्कुल सही है, ना चैन में लहर है ना कुछ है, बिल्कुल ये देखिए दोस्त। अब हम पूरा फिट करके स्टार्ट करके और दिखाते हैं आप, तो देखिए दोस्त मैंने पूरी गाड़ी कंप्लीट कर दी, कंप्लीट करने के बाद आप देख सकते होंगे गाड़ी का साउंड सुनिए आप, ये स्टार्ट है, कोई आवाज नहीं कुछ नहीं। और दोस्तों सेल्फ से इसलिए स्टार्ट नहीं हो पा रही कि भैया की बैटरी खराब है, ये देखिए ये, बाकी थोड़ा सा सेल्फ उठाती है, बाकी सेल्फ बन गया, ठिया बन गया दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।